मैं समझता हूं देश का दुर्भाग्य है जो राहुल गांधी संवैधानिक पद पर एलओपी हैं, सदन चल रहा है, सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किए हैं। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया है। ये शर्मिंदित हैं, दुनिया से जात का पूछते, अपना जात बचाने से भाग रहे हैं। ये शर्मिंदित होकर के दुनिया में भ्रम फैलाने का काम, इससे बड़ा झूठा कोई आज तक एलओपी नहीं पैदा लिया है। संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति, हाउस चल रहा है, उसके बाद ऐसा झूठ बोलना। चार दिन तक वो अपने वायनाड में नहीं पहुंच पाए जहां की जनता ने उनको चुना था। दो दो बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो स्वयंसेवक थे वो अपनी जान पर खेलकर चारों दिन वहां पर अभी तक लगे हुए हैं। उनका कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं पहुंचा, कांग्रेस का नेता नहीं पहुंचा, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी नहीं पहुंची। अब जब पहुंचे हैं तो उनको बेचैनी आना स्वाभाविक है। उन्होंने जो झूठ बोले थे, जो विभिन्न प्रकार की अफवाहें फैलाई थी, वो पापग्रस्त हैं और बेचैनी के कारण उनको रात को नींद नहीं आती। अब आप समझो रात को 2 बजे, इतना महत्वपूर्ण ट्वीट नहीं था, इसका मतलब है रात को उनको नींद नहीं आ रही है और नींद न आने के कारण उनका झूठ है, उनका भ्रम फैलाना है, अफवाह फैलाना है, वो पापग्रस्त हैं। इसलिए रात को जाग जाकर जो मन में आता है वही ट्वीट कर देते। राहुल जी की किसी बात को अब पब्लिक, जनता गंभीरता से नहीं लेती।